हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई सबक। आप इस वक्त जुड़े हुए हैं ई सबक के साथ और आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग की लिखी हुई है ऐसे हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बता दें, अगर आपको हमारी इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें डायरेक्टली कंटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये अच्छी ना लगी तो इसको डिसलाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं विदाउट लॉस ऑफ टाइम। हाँ, आपको हम एक बात बता दें, आज हम इस वीडियो के एंड पर इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फुल्ली तौर पर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ हम आपको बताएंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मार्टिन लूथर किंग जो इसकी जो ये ऐसे है, पहले हम थोड़ा बहुत मार्टिन लूथर किंग के बारे में जान लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग 1929 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? ये USA में पैदा हुए थे। इनका बाप जो है, जो था, वो एक पैस्टर था, यानी जो पादरी जिसको हम कहते हैं, और ये उसका बाप जो था वो अपने रेशिज्म के ख़िलाफ़ था। अब आपको एक छोटी सी बात बता दें, अमेरिका में जब अमेरिका ने 1777 में परहैप्स आज़ादी हासिल की थी, तो उस वक्त जो वहाँ पर जो ब्लैक थे उनको फुली तौर पर आज़ादी दी गई थी, यानी उनको फुली तौर पर अच्छी तरह ट्रीट किया जा रहा था। 1777 के बाद इब्राहिम लिंकन ने वहाँ पर उनको फुली तौर पर आज़ादी दिलाई, और वहाँ उनके राइट, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, सब कुछ, और उनको सिटीजनशिप का पूरा पूरा हक दिया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद वो जब 100 साल तकरीबन 100-120 साल के बाद वहाँ पर अमेरिका में फिर वही हालात हो गए, और वहाँ पर रेशिज़म स्टार्ट हो गया। रेशिज़म मतलब नस्ल जो होती है उसको प्रेफरेंस देना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो वाइट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना, जो जो ब्लैक होते हैं उनको कम प्रेफरेंस देना, इस तरह वहाँ पर ये काम स्टार्ट हो गया। तो मार्टिन लूथर किंग का जो बाप था वो इस रेशिज़म के ख़िलाफ़ था, और इसको वो बहुत ही गना जान रहा था, और गना जानता था, और इसको एक किस्म का सिकलेज जानता था, यानी वो कहता था कि ये खुदा की जो अहद व पैमाना है उसके ख़िलाफ़ है ये, है ना, उसकी तोहीन है, क्योंकि सब बराबर हैं अल्लाह की नज़र में। वो ये उसका ये मानना था। मार्टिन लूथर किंग सामने आता है हमें, हम उसको किस तरह जानते हैं, हम उसको एक सिविल मूवमेंट के तौर पे जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सिविल मूवमेंट वहाँ पर जो चली थी उसके एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविस्ट लीडर थे वो वहाँ पर। मार्टिन लूथर किंग ने जो अपनी डॉक्टरेट की जो डिग्री हासिल की थी, वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। 1955 में वो लीडर बन गए थे मॉन्टगोमरी बस ड्राइवर बाइकॉट। एक बात आपको और बता दूं, वहाँ पर एक रोज़ा पार्क एक इंसिडेंट हुआ था कि जो ब्लैक थी, एक कोई आदमी ब्लैक था, उसने ये इनकार कर दिया था वाइट को सीट देने से। वहाँ पर एक सिस्टम चल रहा था उस वक्त कि जो भी वाइट होगा वो अपनी सीट देगा, अगर बस में अगर वाइट आ जाए तो वहाँ पर ब्लैक बैठा होगा तो ब्लैक वाइट को सीट दे देगा, है ना, ये सिस्टम था। लेकिन वहाँ पर एक टाइम ऐसा हुआ कि एक ब्लैक ने इनकार कर दिया, है ना, वाइट को सीट देने से। इस तरह वहाँ पर एक मूवमेंट चली उनकी ज़बरदस्त, और जो ब्लैक्स थे उन्होंने अपनी एक मूवमेंट चलाई कि हमारे जो यहाँ पर ये सेग्रीगेशन लॉज हो रहे हैं इनको हम अबॉलिश करेंगे। तो जो मार्टिन लूथर किंग जो था, उसको उसकी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी को देखकर, उसकी इंप्रेसिव फैमिली कनेक्शन को देखकर, और उसकी जो स्किल थे उसके पास उसको देखकर, उन्होंने अपना उसको एक लीडर बना लिया, एक लीडर के तौर पर रखा। और वहाँ पर एक मूवमेंट चली जो 382 डेज़ तक चलती रही, और उसमें मार्टिन लूथर किंग ने पूरी तौर पर अपना रोल अदा किया। और इस तरह ब्लैक जो अमेरिकन्स थे, जो वहाँ पर ब्लैक अमरीन रहते थे, जिनको अफ्रीकन अमरीकन कहते थे, और जिनको वो मतलब फुली तौर पर डिसलाइक करते थे वाइट अमरीकन्स, तो उनको पूरे के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हिस्सा दिलाने के लिए और दूसरी फैसिलिटीज़ वगैरह उनको एक्सटेंड करने के लिए एक मूवमेंट चलाई गई थी जो 382 डेज़ तक चलती रही। तो मार्टिन लूथर किंग इस तरह हमारे सामने आया, हम उसको जानते हैं। तो 1957 में मार्टिन लूथर किंग ने एक कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली, है ना, वहाँ पर 60 60 शायद पर 60 मिनिस्टर उसमें थे ना। वो उस कांग्रेस नाम था, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। तो ये जो था, ये इसके इसका मतलब ये था कि सेग्रेशन ऑफ लॉज जो हो, इसको कैंसिल करना, इसको एबॉलिश करना, ठीक है ना, और नॉन वायलेंट जो है बाई नॉन वायलेंट मीन से, है ना, और गांधीन प्रिंसिपल को अपनाकर। गांधी प्रिंसिपल का मतलब यह है कि जो हमारे गांधी जी हैं, उनका प्रिंसिपल ये था कि जो भी चीज़ आप हासिल करो नॉन वायलेंस से, यानी वायलेंस वायलेंट मत हो आप, यहाँ पर मतलब तोड़ फोड़ मत करो, और वायलेंस से, नॉन वायलेंस से आप कोई चीज़ भी हासिल करनी हो नॉन वायलेंस से हासिल करो। इस तरह वो इस चीज़ को अपनाकर वो आगे बढ़े, और वहाँ पर जो ब्लैक अमेरिकन थे उनको उनके हक दिलाए, उनको कहते हैं नेग्रो, है ना, ब्लैक अमेरिकन नेग्रो कहते हैं, जो काले होते हैं, हबशी जिनको हम कहते हैं। तो हम आते हैं अब इंट्रोडक्शन पे, इस जो इनकी जो ऐसे है इसकी। आई हैव ए ड्रीम, ये एक एक्चुअली एक स्पीच है जो अमेरिकन नेगरो लीडर ने दी थी, मार्टिन लूथर किंग ने दी थी। ये स्पीच उन्होंने डिलीवर की थी लिंकन मेमोरियल
हाल के सामने वाशिंगटन के अंदर, कब, 18 अगस्त 1963 में, एक बहुत ही बड़ी मॉब, बहुत ही बड़ा हजूम जमा हुआ था वहाँ पर, जिसमें जिनमें मेजॉरिटी जो थी वो ब्लैक्स की थी, जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, जिन जिनके राइट्स डिप्राइव किए गए थे, जिनके जिनकी जो जिनको पूरा पूरा जस्टिस नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ वहाँ पर बेइंसाफी हो रही थी। तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी भीड़ जमा थी, उसके सामने मार्टिन लूथर किंग ने स्पीच स्पीच डिलीवर की। इस स्पीच में वो उसकी मेन जो मुद्दा है, मेन जो ऑब्जेक्ट जो है उसका, वो है जस्टिस, यानी जस्टिस पे बात की उन्होंने, और राइट्स और फ्रीडम पे बात की उन्होंने। यानी उनका मानना था कि अमेरिका अभी भी आज़ाद नहीं है, यहाँ पर अभी भी ब्लैक्स के साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं, और यहाँ पर जो ब्लैक्स को वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसा पहले ट्रीट किया जा रहा था आज़ादी से पहले, यानी 1777 से पहले जो आज़ाद किया, ये ट्रीट किया जा रहा था इनको, ऐसे ही आज भी ट्रीट किया जा रहा है, और आज इनको कम्प्लीट आज़ादी नहीं दी जा रही है। इस तरह उन्होंने यहाँ पर स्लीप बहुत अच्छी स्लीप ये स्पीच डिलीवर की, और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग थे, और उनका मानना था कि हम जो नेगरोस थे उनको वो बोल रहे थे कि आप अपने राइट्स हासिल करो, अपनी जस्टिस हासिल करो लड़कर, लेकिन बाई नॉन वायलेंट मीन से, बाई गांधियन प्रिंसिपल से। गांधियन प्रिंसिपल वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे, इसलिए उन्होंने वही मीन्स वही जो तरीका था वही अपनाया, जिसमें वायलेंस नहीं होती है, जिसमें नॉन वायलेंस होती है, जिसमें तशद्दुद और ये तोड़फोड़ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी, अब हम इसकी समरी पे आते हैं सीधे। मार्टिन लूथर किंग ने अपने ये स्पीच जो डिलीवर की वहाँ पर एक परजोश तरीके से, सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं अपनी स्पीच को, इब्राहिम लंकन के वो एमेंसिपेशन डिक्लेरेशन, एमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन के ऊपर जो जो उन्होंने साइन किए थे, वहाँ पर जो वादा किया था कि आज के बाद फ्रीडम टू ऑल ब्लैक इन द कंट्री, जो भी ब्लैक हैं इस कंट्री के अंदर उनके लिए आज के बाद फ्रीडम है, उनको आज के बाद वैसा ही ट्रीट किया जाएगा जिस तरह वाइट्स को ट्रीट किया जा रहा है, उनको राइट्स दिए जाएंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, हर चीज़, फ्रीडम, लिबरेशन, सब कुछ उनको दिया जाएगा। इस तरह ये एक साल, सॉरी 100 साल पहले की ये डिक्लेरेशन थी, उसको याद करते हुए ये अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इस कंट्री में एक वादा किया गया था कि हमारे कि आपके साथ ब्लैक्स के साथ, ब्लैक को बोलते हैं वो, ब्लैक्स को किस को एड्रेस कर रहे हैं कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, आज आप गुलाम हो, आप गुलाम हो, आज आपको वैसा ही ट्रीट किया जा रहा है जैसा आपको 1777 से पहले ट्रीट किया जा रहा था। बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी एक, आप आज भी एक रैचर्ड पॉवर्टी में बसर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, एक मतलब परेशानी की हालत में, और बदनसीबी, और आप एक बहुत ही गिरी हुई ज़िंदगी बसर कर रहे हो। नेहरू उसको ये एड्रेस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आज वो अब वो अब मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन वाइट्स को बोल रहे हैं कि आज ये नेहरू जो ये आज यहाँ पर जमा हुए हैं, ये अपने इस शेमफुल कंडीशन को लेकर यहाँ पर आए हैं। वो कहते हैं, वो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे साथ जो इनके साथ जो वादा हुआ था, इनके इनको जो एक चेक दिया गया था जिस पे ये साइन था कि आपके साथ इक्वलिटी होगी, आपके साथ जस्टिस होगा, आज जब ये जाते हैं अपने जस्टिस मांगने, वहाँ पर उस चेक के ऊपर लिखा हुआ था है इनसफिशेंट वायलेंस, यानी यहाँ पर कोई आपको जस्टिस नहीं, आपके लिए कोई ये नहीं है, आपके आपको इनसफिशेंट फंड है यहाँ पर। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो चेक, इस चेक पे तो 100 साल पहले ये लिखा गया था कि आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, लेकिन आज आपको, आज हमें बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है, आप हम आज हमें ये इंसुफिशेंट फंड दिखा रहा है, आज हमें ये चेक इंसुफिशेंट फंड दिखा रहा है, इसी चेक ने तो हमें एक मतलब राइट टू लाइफ दी थी, लिबर्टी दी थी, हमें हैप्पीनेस दी थी, और आज ये चेक हमें क्या दे रहा है, हमें ये हमारे राइट्स इस चेक ने डिप्राइव कर लिए हैं, हमारी जो लिबर्टी है वो डिनाइड हो गई है। तो ये इस तरह मतलब अपनी वो बोलते हैं यहाँ पर बैंकरप्टेंसी चल रही है, यहाँ पर उनके साथ बैंकरप्टेंसी चल रही है, ब्लैक्स को बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। फिर बोलते हैं वो आगे एडवाइस करते हैं अभी अमेरिकन्स को, वो बोलते हैं कि जो अथॉरिटीज जिनके पास है वाइट्स के पास, वो ये समझ रहे हैं कि ये जो वो इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, इस मोब को, इस हजूम को, इस भीड़ को बहुत लाइटली, वो इस गलती में मुबतला ना हो, ये एजिटेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। वो फिर बोल रहे हैं कि उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ब्लैक इस एजिटेशन के बाद कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ब्लैक्स ऐसा नहीं करेंगे, ब्लैक्स तब तक चुप करके नहीं बैठेंगे जब तक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की लानत इस मुल्क से ख़त्म ना हो जाए, वो तब तक चुप करके नहीं बैठेंगे जब तक हर एक को इक्वली ट्रीट ना किया जाए, वो तब तक चुप होकर नहीं बैठेंगे जब तक चिल्ड्रंस ऑफ गॉड को जस्टिस ना दिया जाए, वो तब तक चुप करके नहीं बैठेंगे जब तक इस नेशन में हर एक के साथ इक्वलिटी ना हो। मार्टिन लूथर किंग की ये जो स्पीच है, ये सिर्फ ब्लैक्स के लिए नहीं है बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है, मैं तो इसको पूरी इंसानियत के लिए समझ रहा हूँ, क्योंकि उसने अपनी स्पीच में ऐसी ऐसी बातें की हैं जो आज के इस ज़माने में हर एक के लिए
मतलब लगती है हर एक को, वो हर एक जिस तरह मतलब हर जगह हमारे कश्मीर में तो बहुत सारे मतलब इनजस्टिस हो रहा है हर जगह, हमें भी इस स्पीच से सबक हासिल करना चाहिए। उसके उसके आगे ये उस जो एड्रेस जो वहाँ पर है उनको एड्रेस करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको ये जो अपने जो राइट हासिल करने हैं, आपको ये जो अपनी जस्टिस हासिल करना है, अपना जो इक्वलिटी लेनी है या कुछ छीन के लेनी है उनसे लैकन बाई नॉन वायलेंस में, वो बार बार वो रिपीट करते हैं नॉन वायलेंस को, नॉन वायलेंस को, गांधी प्रिंसिपल स्पेशली वो बार बार करते हैं ये रिपीट करते हैं, और बोलते हैं कि हमारे अंदर नेकल्स के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन होगा तो हम अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं, हम फिर वह उसी मोड़ पे जाकर खड़े हो सकते हैं जहाँ पर हमें इब्राहिम लंकन ने खड़ा किया था। वो बोलते हैं कि जब तक हमें सिटीजनशिप ग्रांट ना की जाए, जब तक नेग्रोज को सिटीजनशिप ग्रांट ना की जाए, तब तक ये रिवॉर्ड का जो वायलेंस है, ये रिवॉर्ड का जो भगोड़ा है, ये कभी चुप नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। और कहते हैं कि अमेरिका में कभी अमन नहीं होगा, तब तक अमन नहीं होगा जब तक जस्टिस इमर्ज ना हो जाए। उसके बाद वो कहते हैं इसको, वो वहाँ पर असल में जो मोब था, जो वहाँ पर भीड़ थी, जो वहाँ पर गैदरिंग थी, उसमें कुछ वाइट भी थे, मैंने पहले आपको कहा कुछ वाइट भी थे थोड़े बहुत, वो फिर उन वाइटों की तरफ मतवज होते हैं, बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो वाइट्स हैं वो कहते हैं, वो समझते हैं कि हमारी फ्रीडम नेगर्स की फ्रीडम के साथ लिंकड है, हमारी जो ये जस्टिस, हमारी जो जो भी चीज़ है, हमारी फ्रीडम, जस्टिस, हमारी डिस्टनी, ये सब नेगर्स के साथ इंटरलिंकड है। कुछ लोग ऐसे हैं वो अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो हायर क्लासेस के लोग हैं भाई, वो नेगर्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो नेगर्स को वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसा 1777 से पहले हो रहा था। फिर वो कहते हैं उन लोगों को कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये नेग्रोस कब सेटिस्फाई होंगे, तो मैं उनसे कहता हूँ नेग्रोस तब सेटिस्फाई होगी जब यहाँ से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो, जब यहाँ से जो लोग डिस्क्रिमिनेशन के विक्टिम बन गए हैं वो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म ना हो जाए, और जो विक्टिम बन गए हैं वो दोबारा एक अच्छे शहरी ना बन जाए, एक इक्वल शहरी ना बन जाए, एक इक्वल सिटीजनशिप उनको ना दी जाए। वो कहते हैं ये नेगोटेशन और ये नेग्रोस तब सेटिस्फाई होंगे जब हर एक को मॉडल और होटल प्रोवाइड की जाएगी, जब जब हर एक को एक इस नज़र से देखा जाएगा, जब हर एक को इक्वल ये ट्रीट किया जाएगा। वो बोलते हैं ये नेग्रोस तब सेटिस्फाई होंगे जब उनके बच्चों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, जब उनके बच्चों को इक्वल एजुकेशन दी जाएगी। फिर बोलते हैं ये नेग्रोस तब सेटिस्फाई होंगे जब मैसिसिपी कुछ जगह का नाम है वहाँ का नेग्रो न्यूयॉर्क में आकर वोट न डाले, ये नेग्रोस तब सेटिस्फाई होंगे जब जब यहाँ पर जस्टिस पानी की तरह बह जाए, मतलब जैसा पानी बहता है इस तरह यहाँ पर इंसाफ बहे। वो कहते हैं कि ये नेग्रोस तब खामोश होंगे जब यहाँ पर राइटियसनेस लाइक ए माइटी की नदियाँ ना बह जाए। वो नेग्रोस को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि बहुत सारे नेग्रोस दूर फार फ्लंग एरिया से आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं पुलिस और वाइट से मार खाने के बाद, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं बहुत बहुत दूर 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 जगह से, बड़ी काफ़ी मुश्किल का सामना करके, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैसिसिपियन से आए हैं, मैसिसिपियन जस्टिस में सबसे ज़्यादा मशहूर था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलाबामा से आए हैं, जो साउथ कैलिफोर्निया से आए हैं, जो जॉर्जिया से आए हैं, जो लुइजियाना से आए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो दूर दूर स्लम्स और घेटोस से आए हैं, और बहुत सारे हैं जो नॉर्थन सिटीज से भी आए हैं। उनको मैं एक एडवाइस करता हूँ कि वो अपनी इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखें, वो अपनी इस स्ट्रगल को नॉन वायलेंस के साथ कंटिन्यू रखें, और वो कभी डिससेटिस्फाइकेशन के का नाम अपने दिमाग में न लाएं। वो कहते हैं कि हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को गेन करके रहेंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करके रहेंगे। तीसरा वो आगे डिफाइन करते हैं इसे अपनी स्पीच में, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच है, आपको इंटरेस्टिंग लगी भी होगी और काफ़ी अच्छी स्पीच है जिसने मैंने पहले ही बोला। वो फिर बोलते हैं आगे कि जो ये जो हमारे साथ इनजस्टिस, जो ब्लैक्स के साथ इनजस्टिस हो रहे हैं, ये इनजस्टिस तब ख़त्म होगा जब यहाँ पर उनको मतलब हौसला देते हैं एड्रेस करते हुए, जो नेग्रोज हैं उनको एड्रेस करते हुए उनको एक हौसला देते हैं कि आपको कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको एक हौसला देते हुए कहते हैं कि ये मैसेपियन जो मैंने पहले बोला कि जस्टिस में सबसे ज़्यादा इनजस्टिस में सबसे ज़्यादा मशहूर थी, फेमस थी, वो एक दिन ऑफ फ्रीडम बन के रहेगी। वो कहते हैं कि वहाँ के चिल्ड्रन एक दिन
वहाँ का एक ब्लैक चिल्ड्रन एक दिन एक वाइट चिल्ड्रन के साथ बैठकर खाना खाएगा। वो कहते हैं कि वहाँ के स्लेव का एक लड़का एक दिन उसके मास्टर के लड़के के साथ इकट्ठा स्कूल जाएगा। वो कहते हैं कि वहाँ की एक ब्लैक लड़की और एक ब्लैक लड़का वहाँ के एक वाइट लड़की एक वाइट लड़के के साथ एक टेबल टेबल के टेबल टेबल पे बैठकर एज ए ब्रदर एंड सिस्टर बातें करेंगे और डिनर या खाना खाएंगे, कुछ भी होता है। तो फिर आगे वो रिपीट वो बार बार अपनी इस बात को रिपीट करते हैं कि ये मतलब क्या वहाँ पर नॉन वायलेंस, ये सब कोई नॉन वायलेंस होना चाहिए, ये सब को नॉन वायलेंस होते हैं। फिर वहाँ पर उनको और हौसला देते हुए और उनके हौसला अफजाई करते हुए एक और बात करते हैं कि मेरी एक ड्रीम है। वो बोलते हैं कि मेरी एक ड्रीम है कि हमारा जो अमेरिका है ये वैसा ही अमेरिका बनता रहेगा जो अमेरिका अब्राहम लिंकन के ज़माने में बना था। वो कहते हैं कि मेरी 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 ड्रीम है कि यहाँ यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होकर रहेगा। वो कहते हैं इनजस्टिस ख़त्म होकर रहेगा। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब यहाँ पर जो इनजस्टिस हो रहा है ये कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो जाएगा। वो उनको उनको बहुत ही ज़्यादा अपनी मतलब ड्रीम्स जो उनके मतलब जो उनकी ड्रीम्स हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं कि मेरी ये ड्रीम है और ये होकर रहेगी। फिर इस तरह मतलब आगे उनको ज़रा होप दिलाते हैं, इसमें यही कुछ है, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, और ये मतलब अपनी स्पीच में यही कुछ ज़्यादा बोलते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि जो गॉड्स गॉड्स के जो चिल्ड्रन हैं यानी इंसान जो हैं इनको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। ये सब अगर एक खुदा ने पैदा किए हैं तो ये सब एक ही लाइन में खड़े होना चाहिए। यहाँ पर ये वाइट और ब्लैक ये क्या मतलब बना हुआ है, ये लोगों के दिमाग में ये मतलब कौन सा ये कैसा कीड़ा उनके दिमाग में घुस गया है वाइट और ब्लैक। वैसे एक बात है, हमारे दिमाग में भी मतलब एक कीड़ा घुसा हुआ है। हम बोलते हैं हम मतलब अक्सर जो बोलते हैं जो वेस्टर्न होते हैं वगैरह ब्यूटीफुल होते हैं या हैंडसम होते हैं, लेकिन ये बात गलत है। वो उनका क्लाइमेट है वो वाइट है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारा क्लाइमेट ऐसा नहीं है वाइट। तो हम ये पिछली बार एक मूवमेंट चली थी ब्लैक ब्यूटी मूवमेंट, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए जो जो खूबसूरती होती है वो तो गॉड की देन अल्लाह की देन होती है, अल्लाह ही देता है। वो बोलते हैं कि जो वहाँ के माउंटेन हैं जो अमेरिका में एक दिन वो आज़ादी की लहर को देखेंगे, वहाँ पर आज़ादी की हवाएं एक दिन चलेंगी और फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं सब इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ पर मिलकर एक गीत गाते हैं जिसको कहते हैं जॉर्ज कैस्टिसी। फिर वो बोलते हैं फ्रीडम, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, ये मिलकर एक गीत गाते हैं। तो ये सब कुछ था मतलब इसके बारे में, इसकी जो स्पीच थी इसके बारे में हमने इसको डिस्कस किया, हमने इसको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छी तरह। चलो अगर समझ ना भी आए तो आप हमें कंटेक्ट करके पूछ भी सकते हो जहाँ से आपको समझ ना आई हो। तो मैंने तो इसको बड़ी आसान तरीके से आपके साथ और बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर किया। अब हम इनके कुछ क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन मैंने देखे हैं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। मैं बताऊँगा कि वो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। 5 क्वेश्चन हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके चांस हैं मतलब किस में एग्जाम में आने के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज किंग बिगन हिज स्पीच विद बाई रेफरिंग टू द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। तो मैंने आपको बोल दिया एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक डिक्लेरेशन थी, ये एक जिसपे इब्राहिम लिंकन ने साइन किए थे, यानी आज के बाद हर वाइट और हर ब्लैक आज़ाद है, हर स्लेव आज के बाद आज़ाद है और आज के बाद गुलामी नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं है और सबको आज के बाद इक्वल ट्रीट किया जाएगा। मैंने आपको पीछे समझा दिया। तो बोलता है कि ये इसने अपनी स्पीच उसको अपनी स्पीच जब स्टार्ट की तो उसको बीच में क्यों लाया, मतलब पहले उससे क्यों स्टार्ट की। तो आप किताब पढ़ के और अच्छी तरह लिख सकते हो उसको, और मैंने आपको पीछे बता भी दिया उसको क्यों ये उसको क्यों उसने डिस्कस किया। उसके बाद जो क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू किंग आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाई द ब्लैक्स दैट लीड्स हिम टू से दैट देर आर स्टिल नॉट फ्री। क्वेश्चन पूछ रहा है हमें से कि हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सी डिफ़िकल्टीज थी जिसको अकॉर्डिंग टू किंग वो कौन सी डिफ़िकल्टीज थी जिनकी वजह से जो ब्लैक्स थे वो ये समझ रहे थे कि हमारे साथ अभी भी नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें अभी भी वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे 1777 से पहले ट्रीट किया जा रहा था, यानी हमारे साथ कैसे वो हमारे साथ कैसे हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, वो हमारे साथ ये सब ऐसा हो रहा है, ये कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज वो फेस कर रहे थे। जाहिर बात है मैंने सब कुछ बता दिया आपको वीडियो में पीछे कौन सी डिफ़िकल्टीज थी। उसके बाद है जो क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डज दिस स्पीच हैव फॉर द ब्लैक कम्युनिटी इन देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। कौन सी नसीहत किंग ने की अपनी स्पीच के अंदर उस कम्युनिटी को अपने जस्टिस और इक्वालिटी हासिल करने के लिए, ऐसी कौन सी उसने मीन्स दिखाई, कौन सी उसने अप्रोच दिखाई उनको। तो नॉन वायलेंस गांधी प्रिंसिपल।
आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह। तो फिर जो क्वेश्चन है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, वी वाई आई हैव ड्रीम इज रेटेड एज द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट। कहते हैं कि इस ये जो आई हैव ड्रीम जो ये है, ये इसको अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट के साथ क्यों जोड़ा जाता था, जोड़ा जाता है, यानी अमेरिकन सिविल सिविल राइट मूवमेंट के साथ से क्या लिंक रही। तो सब कुछ बता दिया पीछे, अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट का जो लीडर था वो वही तो ये स्पीच कर रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ इनजस्टिस सफर्ड बाई द ब्लैक अमेरिकन। सब कुछ तो मैं अभी यही वीडियो वीडियो में बोल रहा था कि कौन सी ऐसी इनजस्टिस थी जो ब्लैक अमेरिकन सफ़र कर रहे थे जिनसे। तो ये क्वेश्चन 5 थे, ये हमने आपको बता दिए। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ, हम 7 7 into 24 आपके पास आपके लिए हाज़िर हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।